Hello, this was my first experience, and we have been to the midnight sale. बहुत मज़ा आया. It was very easily to access everything, और बहुत कम crowd था, तो काफ़ी अच्छा लगा midnight sale का. I hope कि आगे भी ऐसे midnight sales हों, क्योंकि इतना rush रहता है दिन में तो कि हम लोग जा ही नहीं पाते हैं, और छोटे बेबी हैं साथ में तो वैसे ही मन नहीं करता जाने का. लेकिन ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि मिडनाइट सेल था कल और हम लोग वहाँ गए, तो काफ़ी अच्छा लगा. काफ़ी अच्छा कलेक्शन भी था, तो एक दो चीज़ें उठाई हैं हमने कि चलो ठीक है ले लेते हैं जब आए हैं, तो मैं आपको फिर कभी शेयर करूँगी आपके साथ. और ये अभी लाइफस्टाइल में ही हैं हम. अब ये कुछ घर के लिए शॉपिंग की. एक ये रग भी हमने ख़रीदा है, और ये देखिए ये भाई साहब अपना घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं सामान. बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी. अब देखिए और ये बोतल भी मैंने लिया है, एक ऑयल बोतल, और ये तो स्पाइस बोतल भी लिया है जो पेपर और सॉल्ट के लिए काम आएगा. और ये बहुत सुंदर वुडन ट्रेस थी, अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही. और ये देखिए नए नए स्टाइल के आप इनमें सर्व करेंगे तो कितना सुंदर लगेगा खाना भी. और ये मग्स ये बहुत अच्छी डील में थे, ये 399 में तीन मग एक साथ थे. कलर्स मतलब बहुत अच्छे लगते हैं. ये देखिए बच्चों के लिए कलेक्शन वाकई बहुत अच्छा है इन लोगों का ना. और कल वैसे भी बड़ा अच्छा लगा घूमने में, क्योंकि इतना कम भीड़ था. ये देखिए कैटल के साथ ये भी बहुत अच्छा लगा था, बट मैंने लिया नहीं वो, बिकॉज माई हस्बैंड वाज नॉट इंटरेस्टेड कि हमको कैटल लेना है. ये कुछ ग्लासेस की कलेक्शन हैं. आई होप कि मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें इसमें दिखा पा रही हूँ कि जो आप जाएँ तो आप इजीली एक्सेस करके और उनको परचेज कर सकें. एक छोटा सा ओवरव्यू दे रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं इनके पास, ताकि आप जाएँ और इजीली ग्रैब करें. ये मैंने एक रेस्टिंग स्पून भी लिया है. ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बट अभी मैंने ये ली नहीं है. देखते हैं नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो. कलर्स बहुत सुंदर होते हैं, आप देखिए कितने प्यारे प्यारे कलर्स हैं. सूदिंग सूदिंग मतलब मन करता है कि सब कुछ उड़ा लो. ये देखिए कितना प्यारा कलेक्शन है. इनको डेकोर का है तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट है कि आप होम सेंटर जाएं और अपनी ये चीज़ें खरीदें. एक से एक चीज़ें